हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है होटल बुकिंग के बारे में, कि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कि सर होटल बुकिंग कैसे करें, क्योंकि होटल बुकिंग के लिए उनको पे करना पड़ता है। तो मैं अभी एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको होटल बुकिंग के लिए आपको कोई सिंगल पैसा पे नहीं करना होगा। तो आपने हेडिंग पढ़ी ली होगी, होटल बुकिंग कहाँ से बनाए बिना एक पैसे दिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप होटल बुकिंग ईजिली अपने खुद से बना सकें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरी को बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं आपके लिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों, वीज़ा के लिए मेनली लोग वीज़ा के लिए होटल बुकिंग साथ में अटैच करते हैं, और उनको ये रहता है कि अगर इनके इस वीज़ा अगर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो होटल बुकिंग जो भी उन्होंने कन्फर्म किया हुआ है तो काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपको दो ऑप्शन बता देता हूं। तो दोस्तों, यहां पर लोग ज़्यादातर बुकिंग करते हैं, एक तो है booking.com से, ये वेबसाइट है, यहां से आप बुकिंग बना सकते हैं होटल की। और सेकंड है agoda.com। मैं रिकमेंड करता हूं booking.com को, क्योंकि यहां पर आपको कन्फर्म बुकिंग देखने को मिलता है यहां पर ऑप्शन, और यहां पर agoda.com में आपको होल्ड का ऑप्शन शो होता है जो कि ठीक नहीं है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप booking.com से अपनी बुकिंग बनाएं। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि कोई भी पेमेंट आपको एडवांस में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन विजिबल होते हैं, पेड प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड गारंटी और फुल पेमेंट। पेड प्रॉपर्टी में आप वहाँ पर प्रॉपर्टी पर जाकर आप पे कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन में आपको दिखाई देता है कि क्रेडिट कार्ड गारंटी से आप अपना एक होटल बुक कर सकते हैं। अगर आप फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो फुल पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पर फ्री कैंसिलेशन है और आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, तो आपके लिए सेफ़ है, आप यहाँ पर से होटल बुकिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ जिसमें मैं आपको बुकिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें booking.com वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं कि आप कहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मैं पेरिस के अंदर होटल बुक करना चाहता हूँ, तो ये मैंने पेरिस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो भी आप डेट पर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, यहाँ पर चेक इन डेट डालिए, साथ में चेकआउट डेट डाल दीजिए, साथ में चेकआउट डेट आप मेंशन कीजिए। आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ एडल्ट्स, आप कितने लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, कितने आपको रूम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या करना है, आपको यहाँ पर फ्री कैंसिलेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको जितने भी फ्री कैंसिलेशन के होटल हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, तो आप यहाँ से होटल बुक कर सकते हैं। तो मैं एक होटल आपको बुक करके दिखाता हूँ। तो सी अवेलेबिलिटी करके ऑप्शन था, मैं क्लिक कर दिया उसको। अब यहाँ पर जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर रिज़र्व का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको रिज़र्व पर क्लिक करना है। उसके बाद आई रिज़र्व पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर कॉलम दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं जिस पर आप बुकिंग चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। साथ ही दोबारा कंफर्म एक बार मेल कराना है। उसके बाद आई एम दी मेन गेस्ट, अगर आप खुद अपने लिए बुक कर रहे हैं तो मेन गेस्ट डाल दीजिए, अगर किसी दूसरे पर्सन के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो आपको आई एम बुकिंग फॉर समवन एल्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर नेम अपने आप जो शो हो जाएगा जो आपने ऊपर डाला था। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नेक्स्ट फाइनल डिटेल्स पर आपको जाना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद आपसे कार्ड की डिटेल्स पूछी जाती है। आपको यहाँ कार्ड होल्डर्स नेम में अपना कार्ड होल्डर का नाम मेंशन करना है, और उसके बाद कार्ड टाइप में जो भी वीज़ा, मास्टर कार्ड, यूनियन पे क्रेडिट कार्ड, JCB, जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो आपको ऑप्शन देख रहे हैं उसमें से सेलेक्ट करना है। उसके बाद कार्ड नंबर यहाँ पर डालिए, और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी डेट है वो यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए, और कंप्लीट बुकिंग पर जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट बुकिंग पर क्लिक करने के बाद मेरी बुकिंग बन चुकी है। अभी यहाँ पर ये कन्फर्म हो रही है, उसके बाद यहाँ पर अभी डिटेल्स शो अवेलेबल हो जाएगी। तो देखो फाइनली दोस्तों, मैंने विदाउट पे किए हुए मैंने यहाँ पर बुकिंग बना ली है।
यहाँ पर प्रिंट कन्फर्मेशन पर जाके इंग्लिश वर्जन पर आपको क्लिक करना है और उसको प्रिंट कर लीजिए। अगर पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।